नमस्कार, मैं उरीन कुमारी, पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। वक्त हो गया उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते हुए बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग की ओर से बीते महीने उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसमें वाइब्रेट विलन कार्यालय से आच्छादित ग्राम पंचायतों के प्रधानों व उप प्रधानों के गणतंत्र दिवस समारोह में प्रतिभाग करने के संबंध में उनकी सहमति अथवा असहमति की सूचना शीघ्र केंद्र को भेजने के लिए निर्देश दिए गए थे। दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, देहरादून एयरपोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में गुलदार की गतिविधियां कैद हुई हैं। वन विभाग ने भी इस मामले में पूर्व में गुलदार की तलाशी की, लेकिन गुलदार के एयरपोर्ट में सक्रिय होने की पुष्टि नहीं हो सकी थी। इस बार गुलदार हमला करता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसको देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं। तीसरी खबर की ओर चलते हुए बता दें, 1 जुलाई 2023 से मिलने वाले 4% महंगाई भत्ते को लेकर प्रदेश के कर्मियों की प्रतीक्षा और बढ़ गई है। दिसंबर के वेतन के साथ महंगाई भत्ता देने की उनकी बहुप्रतीक्षित मांग पूरी नहीं हो पाई है। बता दें कि पदोन्नति में शिथिलीकरण, वाहन और वर्दी भत्ते, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को बाल्प देखभाल एवं अवकाश देने जैसे कर्मचारियों के हित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली धामी सरकार ने महंगाई भत्ता देने की मांग आगे खिसका कर फिलहाल अपनी वित्तीय हालत को भी ध्यान में रखने की कोशिश की है। बीते एक माह से सरकार विकास और निर्माण कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने पर अधिक बल दे रही है। चौथी खबर की ओर चलते बता दें, बगवाला थाना क्षेत्र के धोलखंड रेंज में लकड़ी बीनने के लिए गए जंगल में एक ग्रामीण को हाथी ने पटक पटक कर मार डाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक बुग्गावाला निवासी इकबाल, जिसकी उम्र 50 साल की है, सोमवार को अपने भाई अयूब, कुछ महिलाओं के साथ वन विभाग की धोलखंड रेंज में लकड़ी बीनने गया था। शाम को जब वह लकड़ी लेकर घर आ रहा था, तभी पीछे से हाथी ने उसे पकड़ लिया। और आखिरी खबर की ओर चलते हुए बता दें, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ के प्रयागण में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जाता है, उन्हें वास्तविक रूप से धरातल पर उतारना, उनका लोकार्पण भी किया जाए। इसी क्रम में मात्र एक वर्ष की अल्पावधि में इस आवासीय छात्रावास को लेकर तैयार कर लोकार्पण किया जा रहा है। ऐसी उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज़। नमस्कार।